नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा कटलेट। इसे बनाने के लिए मैं एक बाउल पोहा ले रही हूँ। इन्हें स्ट्रेनर में डाल लेते हैं और रनिंग वाटर में अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। अब इन्हें 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि पोहे पानी सोख कर नरम हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, पोहे ने एक्स्ट्रा पानी सोख लिया है और ये नरम हो चुके हैं। अब इन्हें एक बॉल में डालकर हाथों की सहायता से मैश कर लेते हैं। तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें डालकर मैश करते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच वाइट सॉल्ट, आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें कुछ बारीक चॉप की हुई सब्जियां डाल देते हैं। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी गाजर, 2 बारीक कटे प्याज, 2 टेबल स्पून जितनी बारीक कटी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए नरम डो बना लेते हैं। यदि आप कॉर्न स्टार्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच ऑयल डालकर डो को ग्रीस कर लेते हैं। डो बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम डो से कटलेट बना लेते हैं। थोड़ा सा डो हाथ में ले और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए ओवल शेप दे देते हैं। आप इन्हें गोल या टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। इस तरह सभी कटलेट्स बना लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है और अब एक एक करके कटलेट्स को कढ़ाई में डाल देते हैं। ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। इन्हें हल्का ब्राउन होने दे, इससे पहले हिलाए नहीं वरना ये फट जाएंगे। कटलेट्स हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें चम्मच की हेल्प से पलट दें और फ्राई होने दें। कटलेट्स का कलर ब्राउन हो गया है, ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। इस तरह बाकी के कटलेट्स भी बना लेते हैं। हमारे सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से पोहा के टेस्टी कटलेट्स आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।